दो लोग अल्लाह पर ही लाए कहें कि हमारा रब अल्लाह है फिर उस पर जम जाए उन पर फरिश्तों का नुजूल होता है ना कोई गम करो ना खौफ खुशियां मनाओ जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया था अल्लाह की रबूबियत पर इतमान जब इंसान को हो जाता मेरा रब अल्लाह है रब्बी अल्लाह इंसान के लिए ना कोई खटका ना कोई खतरा ना कोई खौफ ना कोई हुजू जो कुछ हो हो रहा है किसके इज्म से हो रहा है अल्लाह केज्म से अल्लाह के इज्जन के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता यह कोई अंधा बहरा मादा नहीं है जिससे मुझे कोई खौफ हो अंधा भैंसा चला रहा हो उससे तो डरने का इन हर इंसान को डरना चाहिए ना मालूम किसको टक्कर मार दे लेकिन नहीं इस कायनात को चलाने वाला एक समी बसीर खुदा है वो जो मेरा दोस्त है मेरा वली है अल्लाह वली अल्लाह ईमान का वली है साथी है पुष्टपना है मददगार है हिमायती है बताइए जिसे यकीन हो जाए कि अल्लाह मेरा मददगार अल्लाह मेरा मुहाफिज, अल्लाह मेरा पुष्टपना, अल्लाह मेरा हिमायती उसके लिए कोई खौफ होगा उससे कोई डर होगा मैं मिसाल दिया करता हूं एक बहुत सादा पंजाब के देहात की तो बड़ा चौधरी है और कोई गरीब किसान है उस गरीब किसान की के जानवरों को हर वक्त अंदेशा होगा चोरी का कोई मेरी भैंस खोल करना ले जाए कोई मेरा बैल खोल करना ले जाए लेकिन जिसके बारे में ये सबको मालूम हो कि वो जो बड़ा चौधरी है वो इसका दोस्त है उसकी बच्चिया को कोई खौफ होगा उसकी भैंस पर कोई हाथ डालेगा उसे कोई अंदेशा होगा नहीं क्यों जागीरदार, सबको मालूम है इस दुनिया में ये छोटी सी बात अगर आपके दिली इतमान और सुकून का बायस बन सकती है तो जरा तस्वुर कीजिए मैं लफ्ज तस्वर इस्तेमाल करूंगा सिर्फ इसलिए कि इसका हम जिसको कहते हैं इदराक और शौर कर नहीं सकते अगर के साथ कर सकते हैं। अगर यकीन हो कि अल्लाह मेरा मददगार और यकीन हो कि अल्लाह हर आन मेरे साथ है फिर कोई खौफ किसका खौफ कोई शे अल्लाह से बालातर है कोई कुत उससे ज्यादा ताकतवर है कोई उसके इरादे को बदलने वाला है कोई उसकी मशीयत के आड़े आने वाला है यही बात है जो हजूर ने फरमाई ईमान का हासिल है लुबे लुबाब कि देखो अच्छी तरह इस बात को जेन नशीन कर लो अगर तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते मगर जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया हो और तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नफा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते मगर वो शायद जो अल्लाह ने तय कर दी आप फिर मैं कहूंगा जरा तारी कीजिए इसे फर्ज कीजिए इसे सोचिए अगर इस हदीस पर हमारा दिल ठुका हुआ हो तो किसी से डर होगा ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे ये मेरी रिपोर्ट खराब ना कर दे ये मेरी इंक्रीमेंट ना रुकवा दे ये मेरा ये ना बिगाड़ दे ये मेरे ये नुकसान ना पहुंचा दे इसका डर उसका डर इसका खौफ उसकी खुशामद उसके लिए जाकर तरह तरह से अपनी त नफ्स को जलील करवाना उसके सामने ये सब कुछ क्यों करता है इंसान जब समझता है कि इसके हाथ में मेरा कोई नफ़ा है इसके हाथ में मेरे लिए कोई जरर है यह मुझे कोई गजन पहुंचा सकता है यह मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है यह मेरे कोई काम बना सकता है यह मेरी कोई जरूरत पूरी कर सकता है इसी का नाम शिरक है जहां आपने यह समझा कि गैरल्लाह के अंदर कोई ताकत मौजूद है वही शिरक बुतों से तुझको है, खुदा से उम्मीदी मुझे बता तो सही और काफरी क्या है शर्क तो ये जिस पर भी तुम्हें यह ख्याल है कलमा है यह कलमा है सोम लाभाला जरा इस पर दिल को कभी अगर आप तस्वुर करें फिर फर्ज करें दिल ठुक जाए इस पर कोई ताकत नहीं यही बात थी जो शेख अब्दुल्काद जिला रहमत ने अपनी वसीयत में अपने बच्चे से कही ग्यारहवीं देने वाले हैं लेकिन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वसीयत और तालीमत को कितने लोग हैं तुम तो जानते हो ये जिन मकाम तक पहुंचे हैं वो किस चीज की बदौलत पहुंचे उन्होंने जो पैगाम दिया वो क्या था अ मेरे बच्चे जिस तरीके से कुरान मजीद में हजरत लुकमान की नसीहतें जो है नकल कर दी गई हैं मैं ये अर्ज करूंगा बिलफर्ज अगर कुरान हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के बाद नाजिल हुआ होता तो शेख अब्दुल कादिर की ये नसीहतें भी कुरान में दर्ज होती इतनी ऊंची नसीहतें हैं ऐ मेरे बच्चे इस हकीक़त को जहन नशीन कर ले ला हकीकत लाफा फिलहकत वाला इस कायनात में न कोई फाइल हकीकी है ना मुआसर हकीकी है सिवाय अल्लाह के किसी शय में कोई तासीर नहीं अगर अल्लाह ना चाहे आग जला नहीं सकती अगर अल्लाह ना चाहे पानी डबो नहीं सकता अगर अल्लाह ना चाहे जहर हलाक नहीं कर सकता अगर चाहे कोई चीज फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह चाहे तो दर दर पे क्यों सर झुकाते हो दर दर पर क्यों जबीने जबीसाई करते हो सबके सामने क्यों हाथ फैलाते हो एक अल्लाह से मांगो एक अल्लाह के सामने जबीन सर पर जबीन पर अपनी जबीन रखो लाफा हकीकत नजर आता है हमें कि पानी प्यास बुझा देता है स बुझाने की सलाहियत पानी में नहीं है अल्लाह के इज़्ज़त से खाना भूख मिटा देता है भूख मिटाने की सलाहियत खाने में नहीं है रब में देखिए यही यकीन था हजरत मूसा का वाकया याद कीजिए सामने समंदर आ गया है कौम देखती है पीछे के गर्द गुबार का तूफान है मालूम हुआ कि फिरंग अपने लश्कर समेत आ गया है लश्कर जब चलता था तेज रफ्तारी के साथ तो गर्दो गुबार का जो तूफान उठता था उसका तस्वूर कीजिए और लम्हा ब लम्हा वो करीब आ रहा है पूरी कौम ने क्या कहा एमूसा इन्ला मुद्रकून एमूसा हमको पकड़े गए कुरान मजीद में तो यहां वो बातें नहीं लिखी है लेकिन तो में यह दर्ज है कि बनी इसराइल झगड़ने लगे दस्तो करीबान हो गए के साथ मूसा में यह मरवाया लाकर इससे तो हम ही बेहतर थे वहां खाने को मिलता था जिंदगी तो थी बेगार हम कर रहे थे मौत तो नहीं थी अब जो कुछ होगा उसका तस्वूर करो जिस तरीके से हमारे टुकड़े उड़ाए जाएंगे तो लड़ रहे हैं हजरत मूसा से यह तोरात की तफसील है कुरान में सिर्फ इतना आया है परेशान होकर उन्होंने कहा इन आम मुद्रकून मूसा हम तो पकड़े गए उस वक्त मूसा का जवाब क्या है नहीं मेरे साथ मेरा रब है वो रास्ता देगा बताइए कहां रास्ता नजर आ रहा है ये है ईमान बिल गैब रास्ता नजर ना आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है जेब में पैसे हो और तब दिल को इत्मीनान है तो ईमान किस पर हुआ पैसे पर अल्लाह पर नहीं जब वसायलो जराए न हो और फिर यकीन हो कि अल्लाह मुसबुल असबाब है वो असबाब का पाबंद नहीं है असबाब का मोहताज नहीं है इस्बाब उसके मोहताज है अगर ये यकीन है तो अल्लाह पर ईमान है ये नहीं है तो तुम्हारा ईमान इसबाब पर है वसाइल पर है ज़राए पर है मादियात पर है अल्लाह पर नहीं उस वक्त कहा रास्ता था वो तो रास्ता था समंदर है और उधर से लश्कर आ गया है अल्लायादीन अब देखिए ईमान कह देना आसान है नाकुन तुम जहां कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है लेकिन इसका यकीन कायम हो जाए तो जमीन और आसमान का फर्क वाकई हो जाए यही बात हुई हुजूर के साथ गार है छुपे हुए हैं मोहम्मद रसूल और आपके वो यार गार अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तकबाल ने हजरत अबू बकर की शान में चत अशार कर सिर्फ लेकिन वाकया ये है कि भारी भारी नज्मों पर और कसीदों पर भारी है तवील तरीन नज्मे और कसीदे हो उन पर भारी हिम्मत अबू बकर की हिम्मत जो है किश्ते मिल्लत रा चू जैसे बारिश से खेती उपजती है अबू बकर की हिम्मत और अजीमत इस उम्मत को इसी तरह सेंचने वाली है सानिय इस्लाम गारो कब वो दूसरे थे इस्लाम में दूसरे पहले कौन थे अनाअलमिनूफ की बात है सबसे पहला ईमान लाने वाला मैं दूसरे अबू बकर वैसे हमारे यहां ये चलता है अख्तिलाफ हजरत अली पहले हैं कि हजरत अबू बकर पहले हैं लेकिन उसमें बड़ी खूबसूरत तथवी कायम की हैलमा ने और बहुत सही है चार के बारे में फैसला ही मत करो के कौन पहले है। उनकी एक अजीब तकसीम कर दी है आजाद मर्दों में बालिग मर्दों में सबसे पहले अबू अबूब बच्चों में सबसे पहले अली खीन में सबसे पहले खदीजा, और गुलामों में सबसे पहले जैद इबन हार साहब बड़ी प्यारी तकसीम है ये चारों ही पहले हैं। हर एक के लिए अवलीत है और वाक ये है कि अगर जमानी एतबार से तयन होगा तो पहले खदीजतुल कुमरा आएंगी रजी अल्लाह तसी और से बात करने की नौबत बाद में आ सकती है पहले तो अहलिया मोहतरमा से बात हुई आते ही पहली वही हुई है अभी तबलीग का हुक्म नहीं था किसको बताया वाकया अभी अपनी नबूत की तबलीग का तो हुक्म ही नहीं आया वाकया किसका है वो खदीजा का है जब कहा है कि खशीत तो अला नफसी मुझे अपनी जान का अंदेशा है तो क्या जवाब दिया खदीजा ने रजी अल्लाह तहा वो सिद्दीक़तुल्कुबरा है सिद्दीक़त जो है ख़ातीन उनमें चोटी पर खदीतुल्कबरा है रजी अल्लाह और सिद्दीक़ जो मर्द हैं उनमें सिद्दीक़ अकबर हैं अबू बकर रजी अल्लाह तक सिद्दीक़त में चोटी पर जब हजूर ने फरमाया खशी तो अला नफसी क्या फरमाया क्या अर्ज किया कैसे तसली दी नहीं नहीं अल्लाह आपको ज़ाये नहीं करेगा आप गरीबों के हमदर्द हैं आप मसाकिन के तकालीफ रफा करने वाले हैं आप बेवाओं की सरपरस्ती करते हैं आप मुसाफिरों की खिदमत करते हैं अल्लाह आपको जय नहीं करेगा यह यकीन है उस खातून के अंदर खैर वो एक अलहदा बात हो जाएगी मेरे दिल पर हजरत खदीजा रजी अल्लाह शख्सियत का बड़ा गहरा नक्श है जो वो कोई और ही वक्त और मौका हुआ तो बयान होगा बहरहाल इकबाल ने एक मिसरे में जो चार अवलियतें जमा कर दी हैं हिम्मत ऊ किते उम्मत रा चू अब्रानिय इस्लाम ओ गारो बदर ओ कब्र इस्लाम में हजूर के बाद पहले कौन अबू बकर गार में हजूर के साथ कौन बकर बद्र की रात अल्लाह का रसूल सरबसूद वो झाड़ वो घास की जो झोपड़ी बनाई गई थी और वहां तलवार नंगी लेकर पहरा देने वाला कौन अबू बकर और उस हजरा आयशा में मोहम्मद के बाद सबसे पहले दफन होने वाला कौन अबू बकर रजी अल्लाह तो जो मामला मैं सुना रहा था गारज़रत अबू बकर भी हजूर के ख्याल से लड़स गए हैं आपको याद होगा कि जाकर पहले तमाम जितने सुराख थे उन्हें बंद किया है एक सुराख रह गया था जिसको बंद करने के लिए कोई कपड़ा नहीं था वहां अपनी एड़ी रखी है तब कहा है हुजूर से तशरीफ लाइए और अपने जानू पर हुजूर को लिटाया है और वहां किसी मूजी जानवर ने काटा है हुजूर की आंख लग गई थी उस वक्त उस बिल के अंदर जो भी बिच्छू है क्या है उसने काटा है उसकी तकलीफ की वजह से अबू बकर की आंखों से आंसू टपक गए हुजूर के चेहरे मुबारक पर पड़े हैं तो हुजूर जाके जागे मामला क्या है एड़ी नहीं हटाई वहां से मबादा वो जानवर वहां से निकल कर को कोई गजन पहुंचा दे अबू बकर की एड़ी है जिस तरह चाहे खा ले खत्म कर दे जान निकल जाए तब कोई आंच आए मोहम्मद पर तो आए लेकिन जीते जी नहीं वो है अबू बकर हुजूर के ख्याल से उस वक्त हुजूर ने फिर अपना लुआब दहन लगाया है और उससे फिर आपकी तकलीफ खत्म हुई जैसे खैबर में हजरत अली की आंख दुख रही थी उसको जो शिफा हासिल हुई है वो भी हजूर के लोआब दहन से हुई तो बहरहाल उस वक्त उन्होंने कहा है कि नबी या रसूल अल्लाह अगर इस वक्त इनमें से किसी ने गैर इरादी तौर पर भी अपने कदमों की तरफ झांक लिया तो पकड़े जाएंगे क्या जवाब था अल्लाह के रसूल था अल्लाह हमारे साथ है क्यों घबराते हो बकर ये है ईमान बिल्ला मेरा मालिक अल्लाह मेरा राजिक अल्लाह मेरा मुहाफिज अल्लाह मेरा मददगार अल्लाह मेरा पुष्टपना अल्लाह मेरा दोस्त अल्लाह। ये दोस्ती है अल्लाह की जो लुब्बे लुबाब है हासिल है ईमान का इसी का नाम विलायत है औलिया अल्लाह के सरों पर सीम नहीं होते जिसके दिल में ईमान राशिश हो चुका हो वही अल्लाह का वली है जिसे अल्लाह पर यकीन हो चुका है वही अल्लाह का वली है जिसे यकीन है अल्लाह मेरे साथ है मेरा मददगार मेरा कुछ मेरा साथी मेरा दोस्त मेरा महबूब मेरा मोहबी अल्लाह अहल ईमान से मोहब्बत करता है वल्लाहु वल्लासादी फिबी सभी सफन का नहु बनियान मरसूस अल्लाह मोहब्बत करने वाला अहले ईमान महबूब और अहले ईमान मोहब्बत करने वाले अल्लाह महबूब वजीनाशदबल्ला आप तस्वर कीजिए जिसे ये रिश्ते ईमान रिश्ते जाए आगा के के न कोई खौफ है ना कोई हजुम है और मैं बयान कर चुका था खौफ और हजुम के खात्मे ही का नाम अमन है जवाल खौफ हु ये खौफ और हजुम क्यों आते हैं बार बार अल्लाह तु वजन दोनों आ गए अला इन्ना ला ला फिर वही दो वो क्यों है खौफ होता है किसी मुस्तकबिल की बात का ये ना हो जाए वो ना हो जाए ये नुकसान ना पहुंच जाए ये तकलीफ ना हो ये गजन ना आ जाए खौफ है मुस्तकबिल से है ये क्यों हुआ ये नहीं होना चाहिए था ये मेरा फला चीज मेरे हाथ से जाती रही है फला मौका निकल गया अब बैठे हुए हैं अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं सदमा है और रंज है और जो अल्लाह पर ईमान रखता है वो जानता है इस जमीन में या तुम्हारी जानों में कोई तकलीफ कोई मुसीबत नहीं आ सकती सिवाय उसके के जो अल्लाह ने लिख दी हो इससे पहले के वोहिर हो जिसको ये हकीकत मालूम हो गई उसको ये तर्ज अमल इश्तार करना चाहिए जो चीज छिन जाए जाती रहे छूट जाए उस पर अफसोस ना करो किसने छीनी दोस्त ने दोस्त के फैसले पर शिकायत दोस्ती को बट्टा लगा रहे हूं सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए अगर दोस्ती है तो फिर तो तुम्हें गर्दन झुकानी चाहिए सान अलता जो भी मेरा साकी मेरे प्याने में डाल दे उसका कर्म है जो उसकी तरफ से आए उस पर कोई रंग नहीं कोई सदमा नहीं कोई गम नहीं कोई शिकायत नहीं कोई शिकवा नहीं और जो होगा वो उसके इज्जत के बगैर नहीं होगा और उसका इज्जत होगा तो यकीनन मेरे लिए खैर ही खैर है चाहे वो नागवार शय हो बजाहिर मुझे अच्छी ना लग रही हो मेरी शॉर्ट साइटेडनेस में मुझे वो नजर आ रही है कि मेरे लिए बुरी है लेकिन कुरान ने कहा है आसान तक्रहु शैन वह हुआ खैरल वह आसान तो हिब्बू शैयन वह हुआ शरुख म तुम लाता हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो दरा हल के उसी में तुम्हारा खैर हो और हो सकता है तुम किसी चीज़ को पसंद करो दरा हल के उसमें तुम्हारा शर हो अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते जब मुझे यह बात मालूम हो गई मैंने अपना मामला अल्लाह के हवाले किया सुपर तो माया हिसाब कमो बेशरा ए रब जो तू चाहता है वो हो तेरे इल्म में जो शय मेरे लिए खैर है वो हो जाए मेरी कोई पसंद नहीं मेरी कोई चाहत नहीं यह है राजी ब रजाए रब अकबर अलाबादी ने इसे कहा है रजाए हक पे राजी रहे ये हर आरजू कैसा खुदा खालिक खुदा मालिक खुदा का हुक्म तू कैसा जब मैं आ गया बीच में मेरी पसंद मेरी मर्जी मेरी ख्वाहिश मेरी चाहत यही तो शिरक है माशा कानून मा जो अल्लाह ने चाह वो हुआ जो उसने नहीं चाहा नहीं हुआ इख्तियार उसका है मेरा तो नहीं रजाए हक पे राजी रहे आरजू कैसा खुदा खालिक खुदा मालिक खुदा का हुक्म तू कैसा इकबाल ने इसे कहा है फारसी में अब आप कहें उसका तर्जुमा भी करो तो वो मुझे इस वक्त कुछ बहुत ही बदजौकी किसी बात नजर आएगी जाइए पूछिए किसी से जिसे फारसी आती हो बरू कशीदे हस्तबूद मरा के रजा मरा मुझे तो तमाम पेचोखम से निकाल दिया इस मकाम रजा ने मैं राजी ब रब हूँ जो फैसला उसका मैं उस पर राज़ी तो कहाँ का हजन और किसका खौफ यही जवाल हजन और जवाल खौफ यही है अमन ये नतीजा है ईमान का तो जान लीजिए ये है लुब लुबाब ये है हासिल ईमान का ये है तो ईमान है ये नहीं है तो ईमान नहीं है